बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने नई पार्टी आवाज ए पंजाब का ऐलान कर दिया है। सिद्धू ने कहा कि नई पार्टी का मकसद बेहाल पंजाब को खुशहाल करना है। यह एक इनकलाबी आवाज है। यह पार्टी सिखाती है जुल्म करना पाप है, लेकिन उसे सहना उससे भी बड़ा पाप है। लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं, ऐसा नेता चाहते हैं जो कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और बादल सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए सिद्धू ने कहा कि देश में एक परंपरा है कि यहाँ अच्छे लोगों का इस्तेमाल केवल प्रचार के लिए किया जाता है, उन्हें बस सजावट के लिए रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए पहुंचा तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस फैसले से चौंक गए। सिद्धू ने अकाली दल का नाम लिए बिना कहा, काले बादल को चीर कर सूरज निकलना चाहिए, मौसम कैसा भी हो बदलना चाहिए। इस दौरान सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने हमारी मुलाकात को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन यह आधा सच है। केजरीवाल जी ने मुझसे कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए, अपनी पत्नी को चुनाव में उतारिए, मैं उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाऊंगा। मैंने उनसे बस इतना ही बोला, सत श्री अकाल। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल केवल उन्हीं को अपनी पार्टी में चाहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने नई पार्टी के साथ नई राजनीतिक पारी का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि पंजाब की जनता सिद्धू का कितना साथ देती है। देखते रहिए टीवी लाइव।